सऊदी अरब की मॉडर्न राजकुमारी महिलाओं के लिए हक के लिए उठाई आवाज। सऊदी अरब की महिलाओं का जिक्र होते ही लोगों के सामने बुर्का हिजाब पर्दे में ढंकी हुई लड़की की तस्वीर सामने आ जाती है, मगर वहां एक ऐसी राजकुमारी भी है जो लोगों की इस सोच को बदलने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहां हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की 33 साल की प्रिंसेस अमीरा अल तवील अमीरा अल तुगल की, जो अपनी जिंदगी सादे तरीके से जीना पसंद करती है। वह सऊदी के सबसे अमीर शेख और प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की एक्स वाइफ है, लेकिन उन्हें उनके कामों से ही जाना जाता है। ज्यादा दिन नहीं चली शादी। 2008 में अमीरा ने खुद से 32 साल बड़े सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। साल 2013 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अमीरा करीब 113.4 करोड़ रुपए की मालकिन है और एनजीओ चलाती है। इसके साथ ही वह तलाल की कंपनी किंगडम होल्डिंग में स्टेक होल्डर है। सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में महिलाओं के लिए तलाक लेना अच्छा नहीं माना जाता, उन्हें तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। मगर अमीरा ने तलाक के बाद लोगों के सामने एक नई मिसाल कायम की है। अमीरा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं मुझे देखो तो वे अपनी बेटियों को बताएं कि देखो उसे तलाक मिला और वे अब क्या कर रही है। वह एक स्वतंत्र महिला है, वह अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है। शाही परिवार की सबसे मॉडर्न प्रिंसेज अमीरा को सऊदी के शाही परिवार की सबसे मॉडर्न प्रिंसेज भी कहा जाता है। वह सऊदी अरब की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने हिजाब और अबाया से पहनने से साफ इनकार कर दिया था। 2016 में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था क्योंकि उन्होंने बिना हिजाब पहने हुई अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। शुरू में वो पूरी लॉन्ग ड्रेसेज ही पहनती थी, लेकिन बाद में उन्होंने यूरोपियन स्टाइल कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए। हालांकि उनके रिफाइंड मॉडर्न आउटफिट में ट्रेडिशनल टच हमेशा नजर आता है। महिलाओं के हक के लिए उठाती हैं आवाज। उन्हें महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली महिला के तौर पर जाना जाता है क्योंकि अमीरा अपनी पावर्स को वुमेन्स राइट्स के लिए यूज करती हैं। वह अमीरा ही है जिन्होंने सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग करने का हक दिलवाया। इससे पहले 2018 में सिर्फ पुरुष की सऊदी अरब में ड्राइव कर सकते थे। वह अपनी पावर को वुमेन राइट्स के लिए यूज करती हैं।